हूँ शिल्पी और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं ओट्स से बनने वाली एक नई तरह की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी और कम तेल में भी बनाया है। ओट्स खाना अधिकतर लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से ओट्स बनाकर खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। हेल्दी है, टेस्टी है, कम तेल में भी बना है और कम समय में भी बन जाता है। इस तरह से देखिए, मैंने इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ज़रूर ट्राई करें इसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ मसाला ओट्स लिए हैं। इसमें ऑलरेडी कुछ कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, आप चाहो तो प्लेन वाले भी ले सकते हो। और मैंने इसे मसाला ओट्स को मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हो ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है मैंने। आप चाहो तो प्लेन वाले लोगे तो इसमें आप अलग से स्पाइसेस डालो। मैं इसमें अभी कोई स्पाइसेस नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्पाइसेस है मसाला। अब साथ में इसमें हम सूजी लेंगे, यानी कि जितनी हम ओट्स लेंगे उतने ही हम सूजी इसमें ऐड करेंगे। 4 चम्मच ओट्स लिया है मैंने, तो 4 चम्मच इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। 1 ही चम्मच से मैंने इसमें डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर प्लेन वाले ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालें, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ी सी हल्दी, ये सब आप डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। सिर्फ इसमें मैं गोल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच, साथ में नमक भी, क्योंकि मसाला ओट्स में ऑलरेडी नमक होते हैं तो ध्यान से आप नमक डालें। अब इसमें हम दही डालेंगे और इस दही से ही इसका घोल बनाएंगे हम। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे हम। अब सुपर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बना रहे हैं तो इस तरह से हम इसमें दही डाल के मिक्स करेंगे। हम दही से इसका घोल बनाना है इसलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। मैंने जब ये रेसिपी बनाई और ट्राई की तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगी और मेरे बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगी, वो बहुत ही एंजॉय किए। इस तरह से मिक्स कर लें। बच्चे हमेशा पिज्ज़ा खाने की जिद करते हैं, लेकिन वो पिज्ज़ा ना खिला के आप ये ओट्स वाली पिज्ज़ा खिलाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी उनको और कम तेल में भी बन जाएगी। 2 बूंद तेल में मैंने इसे बनाया है। अब इसे हम थोड़ा से रेस्ट दे देते हैं ताकि सूजी फूल जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट दिया है और आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से फूल गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसे हल्का सा पतला घोल बनाना है, ज़्यादा पतला घोल बिल्कुल भी नहीं बनाना है हमें। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका हमें घोल बनाना है। पतला बनाओगे तो फिर सही से पिज्ज़ा बेस नहीं बन पाएगा ओट्स का। अब इसमें हम 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, मीठा सोडा 2 चुटकी ही डालें, ज़्यादा ना ऐड करें। और अभी हम मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, गैस का फ्लेम अभी हम ऑन कर देंगे और इसे अभी हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर उसका जितना लो हो सके उतना लो कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हो कितनी जल्दी ये बन रहा है। अब इसमें हल्का सा तेल दें, ज़्यादा तेल इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ही तेल हमें ऐड करना है, उसके अलावा और कोई भी तेल ऐड नहीं करना है। अब इसके ऊपर से हम ये बैटर डाल देंगे, आप देख सकते हो कितना गाढ़ा ये बैटर है। इस तरह से डालते जाएं, ज़्यादा ना ऐड करें। मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, आप चाहे तो मिनी पिज़्ज़ा भी बना सकते हो छोटे छोटे। इस तरह से बारीक कटे हुए प्याज इस पर मैं डाल दूंगी, बारीक कसा हुआ गाजर, इस तरह से चारों तरफ फैला दें, और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च छोटे छोटे मैंने क्यूब्स में काट के रखे हैं। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। अब इसे लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से हम कुक होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गया है, इसमें जो मैंने बेकिंग सोडा डाला था जिसका नहीं, अच्छी तरह से फूल गया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैंने कुक किया है और ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। और इसमें जो वेजिटेबल्स डाले हैं वो भी स्टीम में अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। चलिए अभी इसे हम पलट लेंगे। पलटने के लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सा 2 स्पैचुला लें
और इस तरह से पलटें, नहीं तो ये हमारा जो पिज्ज़ा है ओट्स पिज्ज़ा वो टूट सकता है, नहीं तो आप छोटे छोटे भी बना सकते हो। दूसरी तरफ एक मिनट के लिए कुक कर लें, फिर से पलट लें। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा से टोमेटो सॉस इसमें लगाएंगे। इस तरह से टोमेटो सॉस चारों तरफ लगा दें, चाहे आप इस पर सेजवान सॉस भी डाल सकते हो या चिली सॉस भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद। इसमें बहुत सारे आप वेरिएशन कर सकते हो, अपने मनपसंद की सब्जियां भी डाल सकते हो। सॉस अच्छी तरह से मैंने लगा दिया है चारों तरफ। अब इस पर थोड़ा सी चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ खाना बहुत ही अच्छी बात होती है, चीज़ तो दूध का ही बनता है। मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं किया है। अगर आप बिना चीज़ के भी खाना पसंद, बिना चीज़ के भी खाओ तो भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। हल्के से चीज़ ऐड कर दें और इसके ऊपर से मैंने सीजनिंग ली है, ऑल पर्पज़ सीजनिंग। चाहे आप पिज़्ज़ा हर्ब्स भी डाल सकते हो इस पर। अब इस तरह से फ्लेवर के लिए इस पर मैंने डाल दिया है। आधे सेकंड के लिए हल्के से पिघलने दें। मैंने हाफ सेकंड के लिए इसे ढक दिया था। सारे चीज़ देखिए मेल्ट हो चुके हैं और ये हमारा रेडी है ओट्स पिज़्ज़ा। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।